नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद गुरुजी में। आज हम आज का ही यूपी टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप अंत तक बने रहिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो साथियों पूरा वीडियो देखिएगा आज के यूपी टेट 2019 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, हाँ देखिएगा जरूर विश्वास के साथ। देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आया था, 2 की घात -1 का होल पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो यहाँ देखिएगा हमें चार ऑप्शन दिए थे, चार के बाद ये वाले ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 2 की घात -1 है, 2 की घात -1 को हम लिख सकते हैं, ये देखिएगा 1/2 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर -1 हो जाएगा ये देखिएगा। और जब इसे हम फिर करेंगे तो ये संख्या हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, और हमारी जो संख्या प्राप्त हुई है वो 2 प्राप्त हुई है, वो कह रहा है अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद वो कह रहा है सम संख्या है, तो 2 एक सम संख्या भी है, उसके बाद 2 देखिए 2 का गुणक है, तो 2 एकम 2, 2 का गुणक भी है। चौथा ऑप्शन हमें दिया है विषम संख्या है, तो 2 विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, यानी कि हमारे 3 ऑप्शन ऊपर वाले जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, चौथा ऑप्शन गलत है। तो हम देखेंगे हमारा ए बी सी, ये देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो देखिएगा जैसे मैंने ले ली 63, तो 63 क्या है, ये 7 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, यानी ये भाज्य तो है और विषम भी है, तो ये वाला कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, बिल्कुल गलत है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा। तो सपोज करिए अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है और 3 है, या फिर हम ले ले 3 और 5, तो 3 और 5 = 8 होगा, सदैव अभाज्य नहीं होगा, भाज्य भी होगा, तो ये वाला कथन भी गलत हो गया। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है, 2 सम अभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 ठीक है। क्वेश्चन है गाइस, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। तो देखिए अंतः एवं बाह्य कोण कोई भी हम आकृति ले लें इस तरीके से, ये देखिए, तो उसके अंतः कोण और बाह्य कोण, बाह्य कोण ये है, अंतः कोण ये है, तो वो इन दोनों का अंतर कह रहा है 60 है। तो सपोज कीजिए इनमें से हमने मान लिया कोई कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो x+y = 180 हो जाएगा, लेकिन वो इन दोनों का अंतर जो है वो कह रहा है हमसे 60 डिग्री है, तो 180 - 60 = 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हमें अंतः कोण की माप 120 डिग्री मिल गई। अब साथियों हम फार्मूला लगाएंगे, n-2 × 180 / n = देखिए अंतः कोण कितना है हमारा 120 है, तो हम इसे गुणा कर देंगे, 180 n हो जाएगा -360 = 120 n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे इधर ले आएंगे, 180 n - 120 n = 360 हो जाएगा, या देखिए 180 में से 120 जाएगा तो 60 n हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा, 0 से 0 और 6 6 36, n = 6 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए गाइस, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। तो देखिए एक रेखा सपोज कीजिए मैंने ए और बी एक रेखा खींच ली यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ देखिएगा वो कह रहा है 2, तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि न ही 0 होगी। यहाँ पर एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य होगी, क्योंकि एक संख्या रेखा का जो निर्माण होता है वो असंख्य बिंदुओं से होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इस तरीके से एक संख्या रेखा का जो निर्माण होता है वो अनेक बिंदुओं से होकर होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए कोई यहीं पर भी प्रिज्म का क्वेश्चन आता है, तो हम आधार देखिए, आधार में भुजाओं की संख्या
गुणा दो होता है। तो यहाँ देखिए आधार में कितना है, त्रिभुजाकार प्रिज्म में है तो 3 और 2 ये आ गया, तो 3 दूनी 6, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो यहाँ देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम करते क्या है, बीच वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 6 माइनस लास्ट वाली संख्याओं की गुणा 10 गुणा 4 बटे नीचे वाली लास्ट वाली संख्याओं की गुणा करेंगे, 10 गुणा 4 गुणा 100। तो यहाँ देखिएगा 6 छंग 36 और 10 चौक 40 बटे 10 चौक 40 गुणा 100 बराबर 36, 40 में से 36 गए 4 माइनस का बचेगा बटे 10 गुणा 100। तो यहाँ देखिएगा हम क्या करेंगे, ये 40 4 2 40, 1 0 गया, यहाँ बचा -10, तो ये माइनस का जो साइन है वो हानि को दिखा रहा है, तो -10% हानि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, चूंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम। यहाँ पर देखिएगा 1/1000 किलोग्राम, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कौन कौन से, इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं और देखना पड़ेगा। तो देख 10^-3 इसे हम लिख सकते हैं 1/10^3, और 10^3 यानी कि यही वाली चीज आ जाएगी, तो ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन देखिए अगर 1000 से हम भाग करेंगे तो 0.001 आएगा, तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है देखिए ए और बी ठीक है, ए और बी किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। 0.001 को स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, तो देखिएगा 0.01 × 0.01 लिख सकते हैं ऐसे, तो बटे देखिए ये पॉइंट खत्म करेंगे 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जब इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, तो एक आया 1/100, तो देखिएगा 1/100% हमारा एक ऑप्शन ये ठीक हो गया। और दूसरा देखिएगा एक को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 देखिए इजिकल टू 0.01 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए और डी दोनों सही होंगे, ये वाला देख लीजिएगा, जिसमें ए और डी हो आपका वही ऑप्शन सही होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर यानी एक संख्या एक्स मान लें और दूसरी संख्या वाई मान लें, उन दोनों का अंतर हमें देखिए 5 है और गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई इजिकल टू 36 है, तो अगर हम साथियों इसे डिवाइड कर दें, देखिए पूरे समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 5/36 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एक्स से एक्स कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा, तो 1/y − 1/x इजिकल टू 5/36 हो जाएगा। हमसे उनके व्युत्क्रमों का ही अंतर पूछ रहा है, तो ये देखिए उनके व्युत्क्रम का अंतर हमें 5/36 मिल गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा महत्तम संभावित 6 तथा लघुत्तम संभावित 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें फार्मूला याद रखना चाहिए, लासा गुणा मासा बराबर एक्स इंटू वाई यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो देखिए 6 × 432 बराबर एक्स वाई यानी 48 × 22 हो जाएगा, तो 22 बराबर देखिए 6 × 432/48, अब 6 × 8 = 48, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, तो 22 = 54, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यहाँ पर हमें देखना ये है पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 10 का वर्ग कर लीजिए, देखिए 6 का वर्ग कर लेंगे और प्लस 8 का वर्ग कर लेंगे, देखिए दोनों का योग बराबर आएगा 10 × 2 = 100, 6 × 36 और 8 × 8 = 64,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 3664 देखिए 100 हो गया, यानी कि ये वाली चीज हमारी बिल्कुल सही आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, जेड का मान ज्ञात कीजिए, संख्या इतनी है, तो यहाँ पर देखिए 41, 7, और यहाँ देखिएगा अगर मैं यहाँ पर 7 लिख लूं और 8 ऐसे ही लिख लूं, तो हम देखिए 8 से 9 से भाग करके देखते हैं, 9 चौक 36, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 9 6 54, तो यहाँ देखिए 54 लिख लिया मैंने, कितना बचा, 3, 7 उतार लिया, अब 9 3 70, 9 चौक 36, तो देखिए यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, ये बचा और ये 8 उतार लिया, तो 9 दूनी 18, तो देखिए ये वाली संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई, यानी कि हमने 7 रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2160 बराबर इतना इतना, तो 3 की घात a गुणा 2 की घात -b गुणा 5 की घात -c का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2160 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से काट लीजिए, देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर काटिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर काट लीजिए 2 एकम 2 3 6, 2 पंजे 10, अब देखिए 5 से काट लीजिए या 7 से काट लो, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, अब 3 से काट लीजिए, 3 ने 27 और 3 3 9, तो देखिए 3 की घात 3 आ गया, 2 की घात 4 आ गया, तो 2 की घात 4, 5 की घात 1 और 3 की घात 3 आया, तो यहाँ देखिए 2 की घात 4, यानी 1 से कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमें मान मिल गया 4, a बराबर हमारा 4 हो गया, और b बराबर हमारा देखिए 3 की घात 3, तो b बराबर 3 और c की घात माइनस मतलब 1 हो गया, देखिए 5 की घात 1 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 की घात 4, यानी 3 की घात 4 गुणा 2 की घात ये -3 हो जाएगा, और देखिए गुणा 5 की घात -1 हो जाएगा। अब देखिए 3 को लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे, देखिए माइनस में घात है तो नीचे चला जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 3 9 3 27 और 3 81 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 होता है, तो देखिए 81/40 आया, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 81/40। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें एक्स का मान है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें इस एक्स का मान फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए 2 2 के सामने कितना है, 8, 2 का क्यूब कर दिया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, इसी तरीके से 3 को देखिए, 3 का क्यूब कर दिया, 3 3 9 3 27 हो गया, यहाँ पर 4 का क्यूब किया है, यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 एकम 1 एकम 1, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा गाइज वो 1 आएगा। 2153 की घात 167 दिया है, हमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 167 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो 4 चौक देखिए 16 हो गया, यहाँ 7 ऐसे उतार लेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो देखिए जो शेष बचा है उसको हम लास्ट वाले अंक की घात बना लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या में लास्ट अंक कितना है, 3 3 का क्यूब कर देंगे, तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और इस संख्या में जो लास्ट का अंक इकाई का अंक है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है, देखिए मान लिया हमने भिन्न जो हमारी है वो x/y है, x को 20% बढ़ाया गया है, तो देखिएगा x×20/100 हो जाएगा, तो 20 5 100 यानी x/5 बढ़ा दिया गया, पहले से कितना अंश था x, तो ये कितना हो जाएगा 5x और 6x/5 हो जाएगा। इसी तरीके से y को क्या किया गया, 25% बढ़ाया गया है, तो y×25/100, 25 चौक 100 यानी कि 4/22 आ गया, तो देखिए 4/22 वो सॉरी 22/4 आ गया, अब देखिए प्लस 22 हो जाएगा, इक्वल टू 22+4y/4 हो गया, या देखिए 5y/4 हो जाएगा, तो अंश हमारा इतना हो गया और हर हमारा ये हो गया, तो देखिए 6x/5/5y/4 इक्वल टू, तब हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो हमारी 3/5 हो गई।
देखिए इसे पलट देंगे, 6x/5 (4/5y) हो जाएगा इजिकल टू 3/5। अब देखिए 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 24x/25 (y) हो जाएगा इजिकल टू 3/5 हो जाएगा। या देखिए 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3 हो गया, 5 × 5 = 5 और 5 × 25। तो ये आया 8x/5y = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x/y = 5/8। तो इस तरीके से हमारी जो मूल भिन्न निकल कर आई वो 5/8 आई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। देखिएगा गाइस 8 से भाज्य होने वाली संख्या है, तो सबसे पहले 52 40 को हम 8 से भाग कर लेते हैं। देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। तो यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, देखिए 44 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 4 बचा फिर 8 × 5 = 40 हो गया। तो इस तरीके से गाइस ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला सही है। बाकी अब देखिए 52 20 को डिवाइड करके देखते हैं, 52 20 को डिवाइड करके देखेंगे, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 बचेगा, 8 × 5 = 40 हो गया, यहाँ देखिए 2 बचा, 20 20 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये वाला खत्म है। अब देखिए 97 128 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 × 1 = 8 हमारा 1 बचा 17 हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 1 बचा 11 हो गया, 8 × 1 = 8 यहाँ हमारा 3 बचेगा और ये 8 32 हो जाएगा, 8 × 6 = 32, 8 बचेगा और 8 × 1 = 8 यानी ये वाली संख्या भी पूरी डिवाइड हो रही है। अब देखिए 97 124 हो गया, इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8 1 बचा 8 × 2 = 16 यहाँ 1 बचेगा, देखिए 11 हो जाएगा, 8 × 1 = 8 यहाँ देखिए 3 बचेगा, 32 हो गया, 8 × 6 = 32 हो गया, लेकिन 4 शेष बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो देखिए हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन किसमें है, ये चौथे में है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर ये ठीक होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए -9 -8 = 24, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बी बॉड मास का यूज करेंगे, तो बॉड मास में बार सबसे पहले यूज करेंगे, तो 13 में से 7 जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस 3 वो बचेगा और 6 हो गया। अब 24 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिएगा 8 और प्लस -8 + 4 यहाँ पर -4 बचेगा और -−+4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा -9 + 4 = हमारा आ जाएगा -5। तो ऑप्शन दूसरा ठीक है। चलिए गाइस लगभग लगभग पूरा पेपर हो गया है, कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। लेकिन साथियों इससे बड़ा वीडियो हम बना नहीं सकते, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि अगली बार जो भी पेपर आए तो हम उस पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकें, जिसकी हमें इजाज़त मिल सके। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।